हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ये सामान्य ज्ञान की लाइव क्लास है, सामान्य ज्ञान की ये लाइव क्लास है। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुँच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। चलिए, वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार जल्दी से चेक कर लेंगे सभी प्यारे भाई बहन। वॉइस क्लियर आ रही है, जल्दी से प्यारे भाई बहन सभी लोग चेक कर लीजिए। जल्दी से एक बार चेक कर लेंगे सभी लोग, वॉइस क्लियर आ रही है। नोटिफिकेशन सबके पास नहीं पहुंची है मुझे लग रहा है। पिंकी कुमारी, रुचि मौर्या और भी लोग जुड़े हैं, सब लोग कमेंट ज़रूर कर दें कमेंट सेशन में। बाटू पटेल, राधे राधे। चलिए क्लास स्टार्ट करें, सभी लोग रेडी हैं एक बार जल्दी से। मास्टर क्लास है आपकी 8 बजे वाली। चलो, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं, और ये इंस्टाग्राम आईडी है और ये फेसबुक पेज है, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ करके आप पीडीएफ और अपडेट्स पा सकते हैं। चलो पहले शुरुआत करते हैं 2018 के पेपर से। इम्पोर्टेंट है 2018 का पेपर। इसमें आपसे कह रहा, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? चलो, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को बोलते हैं, ठीक है। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। जापान को जापानी भाषा में निप्पॉन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। हाँ, और क्या मैं बता रहा था कि सूरज की किरणें सबसे पहले यहाँ पड़ती हैं, इसलिए इसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। दूसरी बात मैंने और क्या बताई आपको कि जापान को जापानी भाषा में निप्पॉन भी कहा जाता है। निप्पॉन कैसे लिखते हैं, देखो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। हाँ बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया आज, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस वजह से। दूसरे नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 में हुआ, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 से संबंधित है। 21 वर्ष से घटा करके जो वोट डालने की जो आयु है मताधिकार करने की, 21 वर्ष से घटा करके कर दी गई 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर है। आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, बताइए विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक, एक सेकंड, चलिए ठीक है। हाँ मेरा सिस्टम यहाँ पे शो नहीं कर रहा कितने लोग जुड़े हुए हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, चौथा नंबर। ये समझ गए सभी लोग विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, ये हर साल 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये दिवस जो है 1994 से अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, चौथा नंबर है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी? ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, पांचवा नंबर। पांचवें नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलुज नदी पर स्थित है। किस में है? सतलुज नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर बना हुआ है ये बांध। दो बांधों यानी भाखड़ा और ये दो बांध हैं, एक भाखड़ा है और एक दूसरा है नांगल। भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है, ठीक है। अगर इसकी दूरी की बात की जाए कि भाखड़ा नांगल, भाखड़ा बांध और नांगल बांध, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर दूरी, 13 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा छठा नंबर आपके स्क्रीन पर। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब, तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है या बीच से होकर या मध्य से होकर गुजरता है, तो दोस्तों क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, इसमें आपसे ये कह रहा है, बताइए NCTE इसका फुल फॉर्म क्या है? NCTE का फुल फॉर्म क्या है? 7 पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे, N फॉर नेशनल, C फॉर काउंसिल, फॉर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ठीक है, T फॉर टीचर, E फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, आठवें नंबर पर आपसे ये पूछा गया है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? सभी लोग आंसर करेंगे, तो जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थकर हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आखिरी तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर कौन है, 24वां तीर्थकर कौन है, तो 24वां तीर्थकर है महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, नवा नंबर है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, बताइए चूना पत्थर पारिस्थितिकीकरण के परिवर्तन होता है, चूना पत्थर पारिस्थितिकीकरण के बाद परिवर्तित हो जाता है किसमें? तो ये दोस्तों या तो मार्बल में बन, मतलब मार्बल और संगमरमर दोनों में से कोई अगर एक ऑप्शन आपको दिख जा रहा है तो आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्बल आपको दिख रहा है तो आप मार्बल यहाँ पे सही आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 10वां नंबर है, 10वें नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, बताइए एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि, तो 10वें नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में शेड्यूल्ड बैंक वह बैंक है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो RBI है अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया हो। तो आंसर यहां पर ये सही हो जाएगा कि RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में जो शामिल हो उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर है, यहां दोस्तों 2018 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों में आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीट भी हुए हैं, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जब इस
2018 से 22 के बीच में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो 2023 में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, वैसा नहीं कह सकते कि हूबहू यही क्वेश्चन वहाँ बैठा हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हूबहू वही क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वही क्वेश्चन रूप बदल करके आ गए हैं। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से कवर करिए। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, जिनके पास में साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12वां नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 12वें नंबर पे बुकर पुरस्कार जो है ये कथा साहित्य यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्शन राइटिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 13 नंबर प्रश्न। यहां पर आपसे कह रहा चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है, चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। दोस्तों चौथा खंभा ये किसे संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है प्रेस को। किसको संदर्भित करता है? प्रेस को। ध्यान देना, ये संदर्भित करता है प्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों चार विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त, ये चार विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, थोड़ा सा आप लोग सब्र कर लिया करें। चलिए, ये पीडीएफ है ना, पीडीएफ बहुत बड़ी है तो कभी कभी सिस्टम जो है ना लैग करने लगता है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? प्रदीप मौर्य क्या बोल रहे हैं आप, कुछ प्रॉब्लम हो गई? शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं, शोभना गुरुटू या इनको शोभना भी केवल कहते हैं या शोभा गुरुटू भी कहते हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो ये भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे भैया, आंसर में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन गायिका तो हैं, गायिका तो हैं, लेकिन शोभना गुरुटू जो है ये ठुमरियों की रानी कहलाती हैं। तो यहां पर आप क्या कहोगे, ठुमरी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ठुमरी से। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा, ख्याल और द्रुपद, देख लो एक बार, 15 नंबर पे राइट आंसर आपका डी सही होगा, ठुमरी गायिका है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 16 नंबर है। 16 नंबर में आपसे ये कह रहा, 16 नंबर में क्या कह रहा है कि सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है, सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? सौर मंडल के जिन दो ग्रहों को निकृष्ट यानी निकटतम ग्रह कहते हैं वो कौन से हैं? तो वह बुध और शुक्र हो जाएंगे।
कौन से हो जाएंगे? बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। 16 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी करोगे, बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रेटिनॉल। रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो रेटिनॉल है। देखिए विटामिन ए का जो रेटिनॉल है वो वैज्ञानिक नाम है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी राइट होगा। साइंस का क्लास नहीं चलेगा बेटा, साइंस का क्लास 2 बजे चल चुका है, ठीक है। साइंस का क्लास 2 बजे चल चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन 2 देशों को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर पर राइट आंसर आप लोग करेंगे पाक जल डमरू मध्य, ये भारत को और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये पाक की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए बदल करके पूछ लिया कि पाक की खाड़ी को जाना जाता है या किन 2 देशों को अलग करती है, तो आप यहाँ पर बताओगे भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर है। 19 नंबर में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? बच्चा 2 बजे क्लास चल चुकी है, ठीक है। 19 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या करोगे? पूछ रहा संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का, असम का, पश्चिम बंगाल का, केरल का, निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे और सेशन को लाइक जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग ज़रूर से ज़रूर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा पोंगल, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। और ये प्रतिवर्ष 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 2014 में भारत का कौन सा 29वां राज्य बना? दोस्तों यहाँ पे 21वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के 29वां राज्य बना। कहाँ से? तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के क्या बना? तेलंगाना बना। अगला क्वेश्चन ये रहा 22वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जापान की संसद का नाम क्या है? ये तो सभी जानते होंगे कि जापान की संसद को डाइट 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 कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि द्विसदनीय संसद है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, ओमान राजधानी कहाँ की है? ओमान राजधानी कहाँ की है? पुनीत कुमार बहुत दिनों बाद क्लास में भाई, 23 पे राइट आंसर, ओमान राजधानी कहाँ की है? ओमान राजधानी मस्कट की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बीहू त्यौहार है कहाँ का? बीहू त्यौहार है कहाँ का? दोस्तों 24 पे राइट आंसर हो जाएगा बीहू जो है ये असम का मुख्य त्यौहार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर है 25 नंबर। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली जगह में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 25 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A जो संविधान के भाग 4 का में वर्णित है। तो यहां पर क्या करोगे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेटा इंस्टाग्राम में जुड़ जाओ, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है टारगेट गोफ्ट पोस्ट, जो भी समस्या है वहाँ पर मुझे भेज दो। चलो 26 नंबर पर राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है?
तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 27 नंबर। 27 में आपसे कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई। 27 नंबर पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे दोस्तों, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित करी गई है, तो ये है 2016 से 2030। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 28 नंबर, कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं किससे संबंधित हैं, ध्यान दीजिएगा। कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं और ये बाल श्रम के विरुद्ध काम करते हैं। तो 28 पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत इन्होंने करी थी। कब करी थी, 1980 में। 1980 में यहाँ पर ध्यान दीजिए किसने शुरुआत करी थी, कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में शुरुआत करी। अगला क्वेश्चन है किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। चलिए आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस वजह से क्लास आपकी लेट हो गई। 26 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी 26 कह रहे हैं, 29 नंबर पे। आज सर में बहुत दर्द हो रहा था। चलिए यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, सुरेश प्रभु, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद के राज्यपाल थे, कहाँ के थे ये। हालांकि अब नहीं हैं, अब मुर्मू जी हैं, लेकिन 30 पे राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे अगर पूछ लिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, ठीक है। और ये कहाँ के राज्यपाल थे राष्ट्रपति से पूर्व, बिहार के, कहाँ के थे, बिहार के थे, ठीक है ना। आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी ये कौन से नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 31वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। सर ये क्लास इतना लेट क्यों चल रहा है, बताया तो मैंने आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस चक्कर से क्लास आपकी थोड़ी लेट हो गई है। चलिए 31 पे राइट आंसर यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या कर लोगे भैया। 31 पे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 32 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। 32 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा, 32 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा मरियप्पा, मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, हालांकि ये उस टाइम का 2018 का पेपर है तो करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो बिल्कुल भी इनको हल्के में ना लें, कवर कर लें सारे क्वेश्चन 2022 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह, क्योंकि वह, क्योंकि वह, यहाँ पे 33 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा डी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए इसलिए चर्चा में रहे। अगला क्वेश्चन ये रहा 34 नंबर आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे ये कह रहा है को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 34 में ऑप्शन नंबर डी, सबसे पुराना जो ग्रंथ है
जो वेद है वो ऋग्वेद को माना जाता है। 34 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसी प्रणाली की ज्ञान इंद्रियाँ उसे सहायता प्रदान करती हैं। किसी प्राणी की ज्ञान इंद्रियाँ उसे सहायता प्रदान करती हैं, तो सहायता प्रदान करने वाली ज्ञान इंद्रियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 36 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। प्रदीप क्या फालतू की कमेंट कर रहे हो, अगर तुम्हें क्लास नहीं लेना है तो क्लास से बाहर निकल जाओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को फालतू की कमेंट करके? क्या बहुत अच्छा लग रहा है आपको? तो चलो आ जाओ यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान देना। इसमें कह रहा है जस्टिन टूड्रो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की और ये प्रधानमंत्री हैं, कहाँ की हैं ये आपको बताना है। 37 पे राइट आंसर, ये कनाडा के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, 38 नंबर है। निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? निम्न में से, तो निम्न में से कौन सा एक ऐसा नाटक है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो देखिए जूलियस सीजर ये शेक्सपियर के द्वारा यानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, हेमलेट भी लिखा गया है, एस एज यू लाइक भी लिखा गया है, ये तीन लिखे गए हैं, आर्म्स एंड द मैन ये नहीं लिखा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 39 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे लेकिन आंसर देख लीजिए। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है किस देश में किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जापान में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, ये मिलान करना है यहाँ पर आपको 41 नंबर क्वेश्चन में, मिलान करिए और सही विकल्प बताइए। तो इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन तो नीचे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे इसका मिलान कर लीजिए। रिंग वॉर में किससे संबंधित होगा? फंजाई से। रिंग वॉर में किससे संबंधित होगा? फंजाई से। ठीक है बिल्कुल। इसके बाद में मलेरिया प्रोटोजोआ से संबंधित हो जाएगा। मलेरिया किससे संबंधित हो जाएगा? प्रोटोजोआ से। ठीक है इसके बाद में आ जाइए कॉलेरा ये बैक्टीरिया से, एनीमिया लोह की कमी से। तो 3, 1, 2, 4 इस प्रकार से आपने सही कर लिया। आदित्य अंसारी, हाँ साइंस की क्लास आपकी 2 बजे से होती है, साइंस की जो क्लास है साइंस और मैथ की क्लास ये आपकी 2 बजे से डेली होती है। ठीक है 2 बजे से आपकी जो डेली क्लास होती है वो साइंस की होती है, आज भी हुई थी, डेली क्लास होती है। ठीक है 3, 1, 2 आपने 3, 1, 2, 4 यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासें मिलेंगी, ऑल सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर क्लासें मिलेंगी, ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर है। निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? 42 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, जो कि राज्य हड़प नीति से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल पूछे जाते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन है और बेसिक नॉलेज सबके पास में होनी चाहिए कि कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर सामने देखा, अब इन देखा ठीक है, अब हमें जैसे कुछ काम करना है तो काम कैसे करेंगे, या तो हम कीबोर्ड पे करेंगे और माउस की हेल्प से करेंगे। तो हमने क्या किया, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से क्या दिया, कमांड दी कंप्यूटर को। ठीक है उसने प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट दिया। तो इनपुट डिवाइस वही होती है जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। देखिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है,
और प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस है 43 पे। नहीं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये हमें आउटपुट देता है। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है ये, राइट। कैमरा इनपुट डिवाइस है, कैमरे को कमांड देते हैं तब कैमरा फोटो खींचता है, कैमरे को कमांड देते हैं तभी तो फोटो खींचता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहां पर 44 पे आ जाएंगे। आप लोग सोच रहे होगा कि प्रिंटर भी तो प्रिंट करके देता है, प्रिंटर प्रिंट करके तब देता है जब हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं इसको, ठीक है। और वो भी कमांड कहां से देते हैं? कीबोर्ड से या माउस से देते हैं, समझ में आ रही बात? कीबोर्ड से या माउस से देते हैं, देखिए डेली की जो क्लास का टाइमिंग है, मॉर्निंग 11 बजे आपकी पहली क्लास होती है, मॉर्निंग 11 बजे वाली पहली क्लास होती है, ठीक है। इसके बाद में 12 बजे क्लास होती है, मॉर्निंग क्लास जो है ये हिंदी और जीके की क्लास रहती है। इसके बाद में 12 बजे वाली क्लास रीजनिंग की क्लास रहती है, 2 बजे से आपकी साइंस की क्लास होती है, साइंस और मैथ की, ठीक है। अभी मैथ्स टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए इसमें कह रहा है हिंदी पिक्चर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो 44 पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 45 नंबर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, किसने किया था? राइट आंसर करोगे यहाँ पर महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया कि सांख्य दर्शन का, देखिए शाम को डेली आपको जीके की क्लास मिल रही है, ठीक है। तो जीके से आप लोग यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स कवर कर लोगे और ऐसे इम्पोर्टेंट, हाँ सारी क्लासें लाइव होती हैं, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ सारी क्लासें लाइव होती हैं, आप यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। हाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको, बाकी आप लोग इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम आईडी है। और एक रेंडमली मतलब अगर आपको कुछ पूछना है या पेड वगैरह कोर्स चाहिए, हालांकि पेड कुछ अभी है नहीं, लेकिन पेड कोर्स के लिए जब इच्छुक होंगे तभी पेड कोर्स कराएंगे, ठीक है। ये फ़ोन नंबर है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई ज़रूरी सूचना चाहिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं, वहाँ से भी रिप्लाई मिल जाएगा, अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से रिप्लाई ले सकते हैं। तो ये फ़ोन नंबर है। चलिए सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? 46 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कपिल को, ठीक है। इसमें कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं लगती है इसमें, ठीक है, फ़ोन, हाँ कॉल मत करिएगा। चलिए 47 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? टाइम टेबल बता तो दिया मैंने, टाइम टेबल बता दिया, मॉर्निंग 11 बजे से क्लास होती है आपकी कंटिन्यू, मॉर्निंग 11 बजे से लाइव क्लासें रहती हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर 47 पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नरोजी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे? इसके बाद में जिनको हिंदी की तैयारी मतलब हिंदी पढ़नी हो, हिंदी और जीके, तो अगली क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए है, तो उसमें आपको हिंदी और जीके मिल जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं, और बुक कोई परचेज मत करिएगा, मेरी सलाह ये है कि ठीक है बुक परचेज करोगे उसमें 4 साल के आपको 4 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे, कोई मतलब नहीं, पेपर चाहिए तो आप मेरे से ही ले लेना, ठीक है। पेपर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर तो आप मेरे से ही ले लेना, मैं सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन करा रहा हूँ, पेपर आपको दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से। और मैं आपको बता रहा हूँ बुक कोई परचेज मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है बुक परचेज करके, अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप एक जीके की बुक ले लीजिए, ठीक है, वो भी ल्यूसेंट लीजिएगा। कौन सी ल्यूसेंट, कौन सी लेंगे? ल्यूसेंट लेंगे, ठीक है भाई। जीके की अगर आपको लेनी है
तो ल्यूसेंट ले लीजिए। और अगर रीजनिंग की आपको लेनी है तो एक मतलब सफिशेंट बुक आती है अरिहंत की रीजनिंग की बुक, वो आप परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी की अगर आपको लेनी है तो हिंदी की भी आप क्या करिएगा, ल्यूसेंट की ही ले लीजिएगा, सफिशेंट बुक है। मतलब ये बहुत महंगी नहीं है, आपके बजट में आएंगी, इनको ले लीजिएगा। मैं बीएड के लिए बुक परचेस करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता हूँ, ठीक है। मैंने जो नंबर दिया वही नंबर है, उसी पे ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो 48 पे आ जाइए, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं, तो 48 पे राइट आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, मदर पुस्तक किसने लिखी है। बहुत बढ़िया निधि राज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। 49 पे राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिम गोर्की, ठीक है। डेली मैं इस टाइम पे सेशन करा रहा हूँ तो इसमें जीके आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो डेली कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, हालांकि आज मैं चारों के चारों निपटा देता। क्लास आपकी लेट स्टार्ट हुई है, शाम की क्लास आपकी 8 बजे से डेली स्टार्ट होती है, आज लेट हो गई, चलो। हालांकि आज मुझे, मैं बता दूं कि आज मुझे एक जगह पार्टी में भी जाना था, कल भी जाना था, नहीं गया मैं। जब बहुत ही ज़्यादा नीड होती, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, वहीं जाता हूँ, बाकी कहीं नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो आज भी जाना था लेकिन मैंने पोस्टपोन किया, मैं नहीं गया, मैंने कहा छोड़ो, ज़रूरी नहीं है, क्लास ज़रूरी है। चलो 50 नंबर पे, GST सभी जानते हो भैया, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। 50 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ध्यान दीजिए, मॉर्निंग में कल सुबह आप लोगों से 11 बजे मुलाकात होगी। कल का सेशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर डेली एक नया सेशन होता है और नए सेशन में आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, जिनको हिंदी कवर करनी है, हिंदी जिन लोगों ने आज नहीं पढ़ी, जीके नहीं पढ़ी है, वो अगले सेशन में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इवेंट लगा हुआ है, हर क्लास का आपको इवेंट मिल जाएगा, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग जुड़ के PDF ले सकते हैं, ठीक है। अगर टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, ये इंस्टाग्राम ID है, यहाँ से जुड़ करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ये फेसबुक पेज, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद सभी को, बहुत लेट कर दिया आप लोगों ने भी, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, जय हिंद सभी को।